बीजेपी के हथियार से बीजेपी पर ही प्रहार। लीडर्स ऑफ द बीजेपी एंड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग। शाह से लेकर राजनाथ पर परिवारवाद से पलटवार। व्हाट इज अमित शाह सन डू? व्हाट इज ही डूइंग एग्जैक्टली? व्हाट इज राजनाथ सिंह सन डू? राजनीतिक वंशवाद पर राहुल गांधी ने बोला पहली बार। मेनी ऑफ देयर चिल्ड्रन आर डायनेस्टीज। जिस हथियार से भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआती दिनों से ही कांग्रेस पर हमला बोलती रही है वो है वंशवाद और परिवारवाद, जिसे लेकर आए दिन बीजेपी का हर नेता हर कार्यकर्ता कांग्रेस को घेरता रहा है। उसी हथियार से राहुल गांधी ने पहली बार बीजेपी पर पलटवार किया है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बहाने चुन चुन कर करारा प्रहार किया है। सुनिए कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। राजनाथ सिंह सन डू? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. बता दें कि राहुल गांधी ने ये हमले अपने मिजोरम दौरे के दौरान किए। वहीं दूसरी ओर अब परिवारवाद पर राहुल के हमले से बीजेपी भड़क गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने तो राहुल गांधी के इस बयान को बेहद ही घटिया बताया। देखो, अभी राहुल गांधी का विड़म्बना ये है, खुद जेल से बेल लेगा और दूसरा को बोलेगा तुम चोर हो। आज खुद एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का आपने, आपका तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, आपने कोई जिला पंचायत में काम नहीं किया, ग्राम पंचायत में नाम काम नहीं किया, कॉलेज का चुनाव में नाम काम नहीं किया, आप यहाँ है अपना पिता और माता के लिए, और आप अगर दूसरा को बोलेगा कि आप डायनेस्ट हो, मैं डायनेस्ट नहीं हूँ, तो उसका बारे में क्या बोल सकता हूँ। बहरहाल ये तो साफ है कि कांग्रेस और गांधी परिवार परिवारवाद के मुद्दे पर लगातार घिरती रही है, लेकिन पहली बार गांधी परिवार से परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया गया है, जिसे लेकर बीजेपी शायद तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल में बीजेपी अब कैसे अपने सबसे बड़े सियासी हथियारों में से एक परिवारवाद को नई धार देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।